आज खबर आई है गौरव वल्लभ की। गौरव वल्लभ एक अच्छे ओरेटर रहे हैं, काफी अच्छे से अपने तर्कों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि हर तरह के मुद्दों को फैक्ट से जवाब देने के लिए जाने जाते रहे हैं। जो लोग छोड़ के गए हैं उनको पार्टी के अंदर सारी समस्या 2021 के बाद ही क्यों दिखी? 2021 से पहले उनको कोई समस्या क्यों नहीं दिखी? और उसका उत्तर यहाँ खड़ा हर कार्यकर्ता दे सकता है। क्योंकि जब तक राज्यसभा की सीट सुरक्षित थी, जब तक लुटियंस जोन में घर सुरक्षित था, कांग्रेस अच्छी थी। जैसे ही उस पे संकट आया, 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई। तो इसलिए ये सिर्फ 5 पेज की चिट्ठी मीडिया के लिए महत्वपूर्ण है, पर मेरे कार्यकर्ताओं के लिए इसका कोई महत्व नहीं। इनके जाने का कोई असर नहीं होगा सर? हमारे लिए यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनके लिए हमारा नेता एक ही। आप इनसे पूछ लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, और मैं कह रहा हूँ मेरे सामने नहीं, 10,000 लोग और है वहाँ कोने में, उधर से पूछ लीजिए। हर व्यक्ति ये कहना चाहता है कि हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी आएं और देश को संभालें, क्योंकि वही एक ईमानदार व्यक्ति है जो मोदी जी से आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं कि मोदी जी भारत माँ की भूमि में आज चीन कैसे अंदर घुसा हुआ है, देश में और किस नेता में इतनी ताकत है? वो आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं कि महंगाई का। गौरव जी, मैं घूम रहा था यहाँ पे, कई लोग मिले, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि गौरव वल्लभ के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो जमशेदपुर में होते हैं वहां भी पार्टी उनको टिकट दे देती है, उदयपुर आते हैं वहां भी पार्टी अपना उम्मीदवार बना देती है, क्या है गौरव वल्लभ के पास ऐसा? गौरव वल्लभ के पास कुछ नहीं है। गौरव वल्लभ तो एक साधारण शिक्षक का बेटा है। गौरव वल्लभ के परिवार में कोई राजनीतिक लोग नहीं थे। गौरव वल्लभ के पास अगर है तो वो है सत्यता और कांग्रेस पार्टी के प्रति आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। गौरव वल्लभ के पास है तो कुछ है तो वो है कार्यकर्ताओं का गौरव वल्लभ पे अपार स्नेह और विश्वास। गौरव वल्लभ के पास अगर कुछ है तो लोगों को गौरव वल्लभ में सच्चाई दिखती है, क्योंकि मेरी ग्रूमिंग, मैं कोई अचानक से नहीं राजनीति में आया। अब पहले प्रोफेशनल कैरियर में मैंने जो मैक्सिमम चीजें थी वो हासिल की, उसको, उस कैरियर को सुदृढ़ बनाया, फिर राजनीति में आया। मैं ऐसे राजनीति में नहीं आया कि कुछ नहीं कर पाए तो राजनीति कर ली। नो, आई वॉज डूइंग वंडरफुल इन माई प्रोफेशनल लाइफ। मैं फाइनेंस में प्रोफेसर, देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेसर, फाइनेंस का। तो गौरव वल्लभ के पास क्या है? तो गौरव वल्लभ के पास अगर मैं बोलूं तो एक लाइन में उत्तर दूं तो गौरव वल्लभ के पास सच्चाई है और कांग्रेस पार्टी में सच्चाई की कद्र होती है। गौरव वल्लभ वही हैं जिन्होंने संबित पात्रा को एक लाइव डिबेट शो में ये याद दिलाया था कि आपको पता भी है जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करते रहते हैं आप लोग, उसमें जीरो कितने होते हैं। पहले इनकी काबिलियत देखिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आखिर हुआ क्या है। भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों। बताता बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता आप सुनो, आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को, संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ, देख लेना जवाब। मैं जवाब देता हूँ, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, मैं जवाब। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते हैं। ये देख लिया आपने, मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता, 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं बता दे, तो मेरा चैलेंज है इनको आज, 5 ट्रिलियन में कितने। चलिए आप ही बता दीजिए। तो ये वही गौरव वल्लभ हैं जिन्होंने अब एक चिट्ठी लिखकर आहत होने की बात बताई है। गौरव वल्लभ ने आखिर क्या लिखा है अपने पत्र में, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कहते हैं, नमस्कार मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना पत्र लिखा और कहा कि भावुक हूँ, मन व्यथित है, काफ़ी कुछ कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी करने से, कहने से मना करते हैं जिससे दूसरों के कष्ट पहुँचे। फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है और मैं अपराध का भागी भी नहीं बनना चाहता। महोदय, मैं वित्त का प्रोफेसर हूं, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल करने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष दमदार तरीके से देश की महान जनता के समक्ष रखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूं। आगे सुनिएगा। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है,
जहां पर युवा बौद्धिक लोगों की उनके आइडिया की कदर होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे ये महसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है, जिसके कारण ना तो पार्टी सत्ता में आ पा रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका ही निभा पा रही है। इससे मेरे जैसा कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है, जो कि राजनीतिक रूप से जरूरी है। जब तक एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता, तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। और आगे देखिए, फिर एक श्लोक लिखा है उन्होंने, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः, तस्मा धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं क्षुब्ध हूँ। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूँ। पार्टी के स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया, परेशान किया। पार्टी व गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। अब ये तो हो गई गौरव वल्लभ की बात। अब जरा देखिए गौरव वल्लभ को आखिर अभी तक क्या क्या मिलता रहा है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के स्टैंड से इतने आहत हुए हैं गौरव जी कि लगभग 3 महीने इंतजार करते रहे प्रभु प्रभु करने से पहले। यहां तक कि उससे पहले राजस्थान के चुनाव के समय भी इन्हें ये स्टैंड नहीं अखरा। ये वही शख्स हैं जिन्हें सोनिया गांधी की सलाहकार कमेटी तक में रखा गया। ये अकेले ऐसे प्रवक्ता हैं जिन्हें 2 राज्यों में चुनाव लड़ाया गया बगैर किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के। जिस स्टैंड से आहत हो रहे हैं वो स्टैंड था कि मंदिर के राजनीतिकरण से उन्हें आपत्ति है, यानी कि कांग्रेस को आपत्ति है। यानी गौरव जी को मंदिर के राजनीतिकरण से आपत्ति नहीं थी क्या? कांग्रेस पार्टी से इन्हें टिकट मिलता रहा, 37,000 वोटों से हार गए और ट्रिलियन में कितने जीरो वाले गौरव जी अपनी ही परफॉर्मेंस के जीरो का कैलकुलेशन करना भूल गए। ये असलियत है। कई लोग इस तरह के तर्क देने लगेंगे, कांग्रेस तो वैसे ही उसकी स्थिति जिस तरह की चल रही है, कांग्रेस की टिकट पे जीतना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल, लेकिन क्या आप ये बात मानेंगे कि कांग्रेस ऐसा भी नहीं है कि 0 सीट्स पर है? कई लोग ऐसे हैं कि ऐसी लहर के बावजूद, जो उधर की लहर बताई जाती रही है, उसमें भी जीत हासिल करके सामने आते हैं। तो ये तर्क शायद फिट नहीं बैठता है। अचानक से आप सोचिए, अभी तक राजस्थान के चुनाव तक भी आप को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी धर्म के नाम पर। और आपको बता देती हूं मैं एक इनकी पुरानी बाइट, अब आप सुन लीजिए। और कांग्रेस छोड़ते हुए भाजपा ज्वाइन करने वाले गौरव वल्लभ ये कहते हुए कि मैं सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता, बिल्कुल सही है, किसी धर्म को गाली देने का कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन जिस तरह की बात ये उस वक्त कांग्रेस में रहते हुए करते थे उनको जरा आप सुन लीजिए। कब्रिस्तान के लिए 5 बीघा मुफ्त में जमीन आवंटित करी। आप चिश्तिया स्कूल के लिए जो जमीन पहले आवंटित करनी थी लगभग 30,000 स्क्वायर फीट, वो जमीन आपको दिलवाने की मेरी गारंटी है। वहां पर हम स्कूल बनाएंगे और इन बच्चों को धार्मिक शिक्षा तो देंगे। तब इनके विचार राम मंदिर को लेकर क्या थे, जरा सुन लीजिए। मेरे गुरुओं ने मुझे बताया कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द वाक्य भारत में शंकराचार्यों के, वो बोलते हैं वही सनातन है। सनातन धर्म किसने लिखा? शंकराचार्य जी बोले वही धर्म। उन्होंने कहा कि भैया हमारी परंपराओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, और उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। मुझे तो बुलाया नहीं, शंकराचार्य जी को तो बुलाया था। और मेरे लिए धर्म का अर्थ शंकराचार्य जी का कथन ही मेरा धर्म है, वही सनातन है। तो जब उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो मेरे धर्म के जो, क्योंकि आपको मैं पूछता हूं, इकोनॉमिक्स में आपको राय लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हो या नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने मेरा जीवन इकोनॉमिक्स में खपाया है। उसी तरह धर्म पे, सनातन पे राय लेनी है तो शंकराचार्य बोले वही धर्म, शंकराचार्य बोले वही सनातन। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक परंपराओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार ये कार्य नहीं हो रहा। इतने फिर भी मैं कह रहा हूं आपको,
मेरा तो अयोध्या नगरी से ही लगाव, क्योंकि वो तो राम की नगरी। भाई इसको मुझे नहीं बुलाया, मुझे बुलाते तो मैं आपको उसका भी उत्तर देता, पर जिन जिस चीज का मेरे को इनविटेशन ही नहीं है, मैं उसका जवाब कैसे जयपुर के लिए गर्व का विषय बन जाए। हो सकता है कि अयोध्या की हम जोत यहाँ लेके आए, हम उस जोत का यहाँ भव्य कोई राम मंदिर बनाए, आप अभी उस पे क्यों जाए। हाँ भाई, इसको मैं तो प्रभु राम की आराधना रोज करता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं आज नहीं करके आया, मैं तो आज भी करके आया। और राम जी का ही कथन है कि राम राज्य उन्हीं का कथन है, तो आज मैं काम जो आपके सामने कर रहा हूँ, स्वच्छता की बात कर रहा हूँ, वो राम राज्य की तो परिकल्पना है, वो प्रभु श्री राम की तो परिकल्पना है। ऐसे में पत्रकार रोहिणी सिंह का ट्वीट पढ़िए, बिल्कुल फिट बैठता है। विकल्प मनीष सिसोदिया के पास भी था, सारे आरोप केजरीवाल पर मढ़कर भाजपा में शामिल होने का। विकल्प संजय सिंह के पास भी था, जय श्री राम का नारा लगाकर युद्ध छोड़कर भाग जाने का। विकल्प डीके शिव कुमार के पास भी था, ईडी का दबाव पड़ते ही पार्टी तोड़कर भाजपा में शामिल हो जाने का। विकल्प सबके पास है, जो लड़ेगा उसे भी इतिहास याद रखेगा और जो डर के भाग जाएगा उसे भी। बस फैसला आपको करना है कि आप इतिहास में खुद किस रूप में अंकित करना चाहते हैं, एक योद्धा के रूप में या एक कायर के रूप में। लेकिन जमीनी कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा रहता है, तो ये जमीनी कार्यकर्ता जो हैं, इनकी पहचान हर पार्टी को, मैं हर पार्टी के लिए बात कह रही हूँ, हर पार्टी को अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की पहचान, जो एक्चुअल में कमिटमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी लालच में नहीं है, और कमिटमेंट इतना है अपनी विचारधारा और अपनी उस पार्टी के लिए कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स नहीं देखते, ऐसे लोगों को पहचानने की सबको बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही लोग राजनीति में होना चाहिए।